दी अदर थिंग आई फाउंड आउट यस टोडे आफ्टर थ्री ईयर्स एंड कमिंग ईयर्स सिंस टू थाउजेंड सेवन टू थाउजेंड सेवन से हर साल आते थे मैं एज अ फैमिली और अभी तीन साल हो गए यहाँ रहते हुए कल एक मैंने देखा कि एक लड़की टैक्सी चला रही थी आर टी ए की जो यहाँ लोकल गवर्नमेंट की टैक्सी है तो मैंने मैंने बोला मैंने कहा कि मैंने कहा ये देखो यार लेडीज़ चला रही मैं पहले भी देखा था बेड भी जुगाऊँ टैक्सी में तो कह रहे हैं कि हाँ ये जो पिंक इसकी रूफ है ये लेडीज़ टैक्सी है मैंने कहा क्या बात है यार इसका कलर ही अलग है सब कुछ है बट ये भी दुबई में ही हो सकता था कि वुमेन वर्क इन दुबई और ये और वो मेरे खास से शुमालियन थी या अफ्रीकन थी वो समझ में नहीं आ रहा था कि रात के दो बजे तक कुछ पता नहीं चल रहा था और वो टैक्सी घूम के हमारे से दो गाड़ी आगे थी वो रुकी उसके अंदर चार पांच लड़के थे सेवन सीटर टैक्सी थी पीछे से बूट खोल के उसके अंदर कुछ सामान भी डाला और सात लड़के लड़के बैठे उसके अंदर अब मैंने कहा हुसैन भाई मैंने कहा इनकी ज़रूरत नहीं है कि कोई औंधी हरकत करें सवाल ही पैदा नहीं होता मैंने कहा दैट्स इट दिस कैन ओनली हैपन इन दुबई लेकिन लेडीज़ टैक्सी ड्राइवर वुमेन वर्क और ये बहुत ही प्रोग्रेसिव चीज़ है टू मूव फॉरवर्ड दिस इज़ वन ऑफ द थिंग्स यानी कि दिस वे कि अपॉर्चुनिटी अगर है तो ये यू के अंदर है बाकी का मुझे पता नहीं है यू के अंदर है फॉर वुमेन टू वर्क रिस्पेक्टफुली एंड दिस अपॉर्चुनिटी यहाँ की जो है क्या कहते हैं हाके में वक्त ने दे रखी है रिस्पेक्टफुली वो काम कर सकें अपनी लाइफ को अपवर्ड की तरफ मूव कर सकें क्योंकि मेरे अब्बा वाली बात कि ये तो नहीं कर सकते कि आधी आदि आधे इंसान को काट के घर में बांध के बैठा दो वो खुद बिलीव करते थे कि वर्क एडूकेट कियाल्फ़ औरतों की यानी कि जो वुमेन एम्पावरमेंट है माई फादर बिलीव्ड इन दैट वर्ड वो शुरू से कहते थे कि औरतों को ये तो नहीं कि आधी आवाम को काट के घर में बिठा दो कि तुम घर में बैठो रोटी पकाओ और हम काम करेंगे और अयाशी की दज वर्क लाइक दैट डू इट आई वुड टेल द वमेन लड़कियाँ